नमस्कार, मैं आरके सक्सेना मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश और अपने इस एजुकेटिव यू चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज का मेरा टॉपिक है उन बच्चियों के लिए जिन्होंने ट्वेल्थ में बायो लेकर के और ट्वेल्थ पास किया है या ट्वेल्थ रनिंग चल रहा है उनका, और वे बच्चियां बीएससी नर्सिंग करके मध्य प्रदेश में नर्सिंग ऑफिसर के रूप में अपना कैरियर बनाना चाहती हैं। तो एक प्रकार से मेरा ये कैरियर परामर्श का ही वीडियो है। हर बच्चियों का हम जवाब नहीं दे सकते पर्सनल रूप से, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना दें जिसमें हम सभी पहलुओं की बात कर दें कि क्या बीएससी नर्सिंग प्राइवेट कॉलेज से करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। तो यही टॉपिक है हमारा कि बीएससी नर्सिंग प्राइवेट कॉलेज से करें या ना करें, जैसा कि थंबनेल में दिखाया गया आपको। तो ये तो निश्चित है कि आजकल ज़्यादा बच्चियों का ये झुकाव है कि ट्वेल्थ में बायो लेकर के और बीएससी नर्सिंग किया जाए, और एक अच्छा कैरियर भी है इसमें, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस कैरियर के माध्यम से वो बीएससी नर्सिंग करके और सरकारी जॉब प्राप्त कर सकती हैं। अब हम बात करें कि बीएससी नर्सिंग कहाँ से करना चाहिए। तो खासतौर से अगर हम एमपी की बात करें तो एमपी में आपके दो तरह के कॉलेज हैं। एक तो आपका सरकारी नर्सिंग कॉलेज है जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित हैं, और दूसरे कॉलेज जो हैं वो आपके हैं प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज। तो ये देखने में आ रहा है कि एक एक शहर में, एक एक नगर में, छोटे छोटे क्षेत्रों में काफ़ी स्तर पर आपके प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं और बहुत सारी बच्चियां उसमें एडमिशन भी ले रही हैं। लेकिन कुछ बच्चियां हमसे ये क्वेश्चन कर रही हैं कि क्या सर प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना ठीक रहेगा, करें या ना करें। तो आज हम उसी पहलुओं पे बात करेंगे कि हमें नर्सिंग किस तरह कॉलेज से करना चाहिए, दोनों के क्या बेनिफिट हैं आपके। तो हम पहली बात करते हैं कि प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना। तो बीएससी नर्सिंग करना काफ़ी आसान है प्राइवेट कॉलेज से, ये भी देखने में आया है कि आपका बड़ा ही आसानी से इसमें एडमिशन हो जाता है और लगभग 4 साल में आपका बीएससी नर्सिंग की डिग्री भी आपको मिल जाती है। लेकिन अगर हम एमपी का उल्लेख करें तो एमपी में ख़ास तौर से एक प्रकार से ये नियम है कि नर्सिंग का जॉब, सरकारी जॉब जो है उन्हीं बच्चियों को पहले दिया जाता है जो सरकारी आपके नर्सिंग कॉलेजों से जिन्होंने बीएससी नर्सिंग किया है। और प्राइवेट नर्सिंग जो करती हैं बीएससी नर्सिंग प्राइवेट कॉलेजों से, तो उन्हें जो है वो एक एग्ज़ाम का सामना करना पड़ता है जो मध्य प्रदेश में जो भर्ती बोर्ड है आपका पीईबी, वो एक स्टाफ नर्स के नाम से एक एग्ज़ाम लेता है। उसमें आपके कुछ नर्सिंग के पद होते हैं तो वो एग्ज़ाम निकालना होता है, और वो एग्ज़ाम काफ़ी कठिन भी होता है क्योंकि उस एग्ज़ाम का जो सिलेबस होता है, तो जो भी आपने 4 वर्षों में बीएससी नर्सिंग के दौरान पढ़ा है वो उसका सिलेबस है। और इसके अतिरिक्त आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी, इंग्लिश, एमपी जीके, इनकी भी तैयारी आपको करनी होती है। और रूल बुक में जो एमपी की नर्सिंग रूल बुक है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि प्राथमिकता जो है वो सरकारी नर्सिंग कॉलेज से जो बीएससी नर्सिंग की है उन बच्चियों को दी जाएगी। जो शेष पद बचेंगे तो वो जो है वो प्राइवेट नर्सिंग का जो की हैं तो वो पीबी के माध्यम से जो एग्ज़ाम होता है उसको क्वालिफाई करके वो नर्स बन सकती हैं। तो यदि हम देखें दोनों कॉलेजों में, सरकारी कॉलेजों में और प्राइवेट कॉलेजों में, तो सरकारी कॉलेजों में थोड़ा सा ये आपका एडमिशन टफ होता है क्योंकि इसमें होता क्या है कि एमपी पीईबी आपका एक एग्ज़ाम लेता है जिसको पीएनएसटी, जी हाँ, प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट, जो लगभग आपके हर वर्ष होता है, उसके माध्यम से सरकारी कॉलेजों में जो है वो एडमिशन होता है। जो एग्ज़ाम थोड़ा सा टफ होता है, कई बच्चियाँ उसको जो है वो काफ़ी मेहनत करने के बाद भी कुछ नंबरों से चूक जाती हैं, लेकिन अंततः अगर वो लगी रहती हैं तो एग्ज़ाम निकाल लेती हैं। तो बहुत सारी बच्चियाँ इससे घबरा करके
कि हमको ये पीएनएसटीएस एग्जाम देना पड़ेगा या उनके अभिभावकों के पास पैसा है काफ़ी, तो वो एक सरल तरीका जो है जो कि प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन करवा के बीएससी नर्सिंग की डिग्री प्राप्त कर लेना, तो वैसा करते हैं। लेकिन जहाँ तक हम ये देखते हैं कि सरकारी नौकरी प्राप्त करने की बात है, तो जो प्राइवेट नर्सिंग करती हैं बीएससी नर्सिंग प्राइवेट कॉलेजों से, तो उनकी जॉब की क्या संभावना होती है? तो जैसा हमने पहले बताया आपको कि एक तो उनको आपका पीबी द्वारा जो एग्ज़ाम लिया जाता है स्टाफ नर्स के नाम से, उसको एग्ज़ाम को निकालना होता है, तो वो भी देखते हैं कि एग्ज़ाम निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, काफ़ी टफ एग्ज़ाम होता है और तभी जो है वो सरकारी कॉलेजों में एडमिशन हो पाता है। लेकिन ये निश्चित है कि अगर एक बार एडमिशन मिल गया तो बीएससी नर्सिंग कंप्लीट होते होते आपका जो है वो सरकारी जॉब नर्सिंग ऑफिसर के रूप में सुनिश्चित हो जाता है। लेकिन प्राइवेट कॉलेजों में ये बात नहीं है। प्राइवेट कॉलेजों में दो तरह के जॉब, जैसा हमने बताया पहले, कि या तो पीवी का एग्ज़ाम निकाल करके सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकती हैं, जो काफ़ी पदों की संख्या कम होती है। जिस तरह से नर्सिंग कॉलेज खुल रहे हैं तो बहुत सारे ऐसी बच्चियाँ तैयार हो रही हैं जो स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम देती हैं, तो पदों की संख्या में उनकी संख्या काफ़ी हो जाती है, एग्ज़ाम भी टफ होता है काफ़ी। है नर्सिंग क्षेत्र के अलावा इसमें आपका मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी, इंग्लिश, एमपीजीके, इस तरह की सब्जेक्टों को भी आपको अच्छे से तैयार करना होता है, काफ़ी कंपटीशन होता है। या दूसरा विकल्प उनके पास ये होता है कि वो जो आपके प्राइवेट हॉस्पिटल हैं आपके, वहाँ पे वो नर्सिंग के रूप में जॉब कर सकती हैं। लेकिन समान रूप से ये देखने में आया है कि इनका वेतन जो है काफ़ी कम होता है। यदि हम बात करें रीवा की, तो रीवा में जो प्राइवेट आपके हॉस्पिटल हैं, तो इनको मुश्किल से 5 से 6 हज़ार रुपया इनकी स्टार्टिंग पे स्केल होता है इनका, और धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते ये करीब 7-8 तक पहुंच पाती हैं, तो वेतन कम होता है, सरकारी जॉब की संभावनाएं जो है वो कम होती हैं। तो मेरा अंत में यही कहना है कि यदि आप में एक लगन है, आप में एक योग्यता है, तो आप पीएनएसटी जैसे एग्ज़ाम का सामना करें, और यदि एक बार पीएनएसटी आपका निकल जाता है तो निसंदेह रूप से आपको जो है वो सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। और सरकारी कॉलेज मिलने का मतलब होता है कि सीधे सीधे आपको जो है बीएससी नर्सिंग कंप्लीट होते हुए ही जो है आपको नर्सिंग ऑफिसर के रूप में एक गेस्टेड पोस्ट मानी गई है मध्य प्रदेश में, ये वो आपको मिल जाएगी। तो आप खुद विचार करें। जहाँ तक मेरा विचार है कि यदि आप में क्षमता है, योग्यताएँ हैं, थोड़ा सा मेहनत है, प्राइवेट कॉलेज में का विकल्प चुनना एक अंतिम विकल्प हो सकता है आपका, लेकिन प्रारंभ में आपको ये पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम पीएनएसटीएस एग्ज़ाम को निकाल करके और सरकारी कॉलेज में एडमिशन पा लें। यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो निसंदेह रूप से सरकारी जॉब की इसमें गारंटी होती है और मिलता भी है। कई बच्चियाँ हमारी कोचिंग की ही, कई बच्चियाँ जिन्होंने आज से 3-4 साल पहले, 5 साल पहले कोचिंग की और उनका जो है सरकारी कॉलेज में एडमिशन हुआ पीएनएसटी के माध्यम से, तो आज वो कहीं ना कहीं जो है सरकारी नर्सिंग ऑफिसर रूप में काम कर रही हैं। तो आज इतना ही, हो सकता है आपको समझ में आ गया होगा। और यदि कोई आप हमसे बात करना चाहते हैं, कोई अन्य जानकारी लेना चाहते हैं इसके संबंध में, तो आप हमको मैसेज बॉक्स में जो है वो भेज सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक, नमस्कार।